हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम क्रोम ब्राउज़र को कैसे सिक्योर बनाएं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर राइट कॉर्नर पर 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ से सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपको यहाँ पर तीसरे नंबर पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको डिलीट ब्राउजिंग डाटा का ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्राइवेसी गाइड, थर्ड पार्टी कुकीज़, एड्स प्राइवेसी का, और यहाँ पर सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेफ ब्राउजिंग का ऑप्शन दिया है और यहाँ पे पहला नंबर पे दिया इनहेंस प्रोटेक्शन दिया है और इसमें दिया है रियल टाइम प्रोएक्टिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस साइट डाउनलोड एंड एक्सटेंशन दैट बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग डेटा वेइंग सेंड टू गूगल। तो यहाँ पर आपके क्रोम ब्राउजर को सबसे सेफ जो प्रोटेक्शन करता है यहाँ पर इनहेंस प्रोटेक्शन करता है। तो आपको इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने मिलेगा और नो प्रोटेक्शन का ऑप्शन देखने मिलेगा। आपको इन दोनों पे सिलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे इनहेंस प्रोटेक्शन को ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे दिया सिक्योर कनेक्शन का ऑप्शन दिया है, तो हमें यहाँ पर जो दिया है ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन को हमें यहाँ से इनेबल कर देना है। और यहाँ पे नीचे दिया एडवांस्ड में यूज सिक्योर DNS का ऑप्शन दिया है, तो हमें यहाँ से इसे भी इनेबल कर देना है। और नीचे दिया है सिलेक्ट DNS प्रोवाइडर, तो हमें इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे हमें क्लाउड फ्लेयर का ऑप्शन दिया है, हमें इसे यहाँ से सिलेक्ट करना है, जिससे हमारे क्रोम ब्राउजर का यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल हाई हो जाएगा, जिससे हम उसको सिक्योरली यूज कर पाएंगे। फिर हमें यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर पे जाना है और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। तो सबसे यहाँ पे लास्ट में दिया अबाउट क्रोम का ऑप्शन, हमें इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो क्रोम ब्राउजर है अपडेटेड है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्रोम ब्राउजर है यहाँ पे दिया क्रोम इज अप टू डेट, यहाँ पे जो कि हमारा ब्राउजर अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों, आप ऐसे स्टेप फॉलो करके अपने क्रोम ब्राउजर को आप सिक्योर कर सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।